फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, थ्योरम टू है क्वाड्रिलेटरल का, और इसको आज हम प्रूफ करेंगे कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इसका डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है जो बाइसेक्ट करता है अपने आप में। तो पहले हम लोग किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग गिवन, जो गिवन आता है वो लिखते हैं, ठीक है। तो पहले गिवन इसमें क्या क्या चीज़ है, गिवन है ना कि ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जो ए बी सी डी है, एंड डी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, बी सी एंड ए सी एंड AC and BD and BD diagonals intersect at a point O, ठीक है। उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ इसे प्रूफ करेंगे कि बाइसेक्ट, जब यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जब बाइसेक्ट करेगा तो हाफ हो जाएगा। तो इसमें प्रूफ क्या करेंगे, AO equal to OC and OD is equal to OB, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ करने के लिए कोई हम ऐसा दो ट्रायंगल लेना होगा जो कि इसमें ये दोनों सब आते हैं, दोनों आते हैं जैसे AO और इसमें क्या है ओ बी, ए ओ ओ बी इस ट्रायंगल में आ गया, और ओ डी और ओ सी इस ट्रायंगल में आ गया। तो हम इन दोनों को कन्वेंट कर देंगे तो ये दोनों आपस में सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो हम को ये दोनों ट्रायंगल को कन्वेंस करना है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी AOB and COD angle ACD is equal to angle CAB हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उसी तरह एंगल सी डी बी इज इक्वल टू ए बी डी एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी ए, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल हो गया साइड। और हम लोगों ने एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी वो देखें, तो ये दोनों इक्वल हुआ क्योंकि ए भी
वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल होता है। तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी से करें, या एक और तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। हम इसका प्रूफ किए हुए पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी ए बी ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो इसलिए ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंस टू सी ओ डी बाय एंगल साइड एंगल बाय ए एस ए रूल। तो इसलिए हेंस हेंस ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, सी पी सी टी से हो जाएगा, सी पी सी टी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। दोस्तों आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।